अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान बशीर है और मैं आपको वर्ल्ड टाइम्स इंटरव्यू सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। हमारी आज की मेहमान मिशेल नईम है, जिनने CSS 2017 में 41st पोजीशन हासिल की और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सिलेक्शन हुई इनकी। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका ये पूरा सफ़र कैसा रहा और क्या अप्स एंड डाउन आए और कैसे उनने इसको टैकल किया। अस्सलाम वालेकुम अदनान, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि CSS इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का हाथ था। पहले तो मैं ये कहूँगी कि अल्लाह का शुक्र है पास हो गया, फिर मेरे माँ बाप थे। और अगर हम तैयारी की तरफ आते हैं तो मुझे जितना टाइम लगा था वो 6-7 महीने लगे थे। उसमें यही है कि आई बिगैन माई प्रिपरेशन बाई फर्स्ट सेलेक्टिंग माई सब्जेक्ट्स। मुझे सबसे बड़ा ये था कि अच्छा, प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या लेने चाहिए मुझे। कंपलसरी तो चलो हो जाते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि कंपलसरी में सिर्फ पास होना होता है, मैं एग्री नहीं करती, बट आई विल प्रॉब्ली कम टू दैट लेटर। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मैंने ये देखा कि अच्छा, मेरी डिग्री किसके अंदर है। जब मेरी डिग्री मैथ के अंदर थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि अच्छा ना लो, मैथ का प्रॉब्लम हो जाएगा, बट देन आई स्टिल वेंट अहेड विद इट, क्योंकि मुझे था कि मैं इसको बाद में कैसे जस्टिफाई करूँगी कि मैंने अपनी डिग्री का कोई सब्जेक्ट नहीं लिया। मैंने वो लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं मैथ लिया, मैंने 100 का स्टैट्स लिया। देन आई डिस्कस्ड विद अदर पीपल कि स्कोरिंग ट्रेंड क्या जा रहा है, वो मैंने चेक किया। फिर देन आई टुक अदर सब्जेक्ट्स, फिर मैंने अपना इंटरेस्ट भी देखा। सो आई वुड से कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आप यही करो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, स्कोरिंग ट्रेंड क्या जा रहा है, एंड देन अगेन आपकी डिग्री एंड पे किस चीज़ की है। मिशेल, एक परसेप्शन पाई जाती है कि लम्स के ग्रेजुएट या दूसरी अच्छी जो हमारे नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ के जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो वैसे प्रिविलेज्ड होते हैं, उनके लिए CSS करना तो मुश्किल ही नहीं होता। नहीं, अच्छा मैं इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करती, क्योंकि लोग कहते हैं कि अच्छा लम्स के ग्रेजुएट्स हैं, नस्ट के हैं, फलाने कॉलेज के हैं तो जी पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। CSS इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। आपने उसके अंदर अगर आपने कदम रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है, आपको पता होना चाहिए कि सवाल अटैम्प्ट आपने किस तरह से करना है। आप जितनी मर्जी आप अंग्रेज़ी अंदर लिख दें या उस तरह से फ्लावरी वर्ड्स वगैरह लिख दें, लेकिन अगर आप आंसर टू द पॉइंट नहीं दे रहे तो कोई पॉइंट नहीं है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप किस कॉलेज से आते हैं, जब तक आपको ये समझ नहीं आती कि आपने अपना जवाब सही लिखा है कि नहीं। तो यू कैन बी फ्रॉम एनी कॉलेज एंड यू कैन क्या कहते हैं क्लियर CSS। और एज यू हैव सीन इन द रिसेंट ईयर्स कि काफ़ी ज़्यादा लम्स के बच्चे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लम्स के बच्चे नहीं भी पास होते, डिपेंडिंग ऑन आपकी तैयारी किस तरह से है, आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप सही सब्जेक्ट्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। सिमिलरली आपके जो पेपर्स हैं उसमें सही प्रेजेंटेशन है कि नहीं, आपका जवाब रेलिवेंट है कि नहीं, तो फिर ही आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आप किस कॉलेज से आ रहे हो, या आप मेल हो, फीमेल हो, या जो भी हो, उसको आपका बैकग्राउंड नहीं पता। ऑल ही केयर्स अबाउट इज कि आपका जवाब किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। CSS करने के लिए प्रीरिक्विजिट्स क्या होने चाहिए? अगेन मैंने जिस तरह पहले मेंशन किया था कि यू शुड हैव एन आइडिया कि आपके सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, फिर यू शुड हैव एन आइडिया कि आप कितनी देर लगाते हो इसमें। काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं साल की तैयारी से, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो 6 महीने में भी करके पास हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास डू यू हैव इनफ टाइम टू डू दिस, ताकि आप बाद में रिग्रेट ना करो कि अच्छा यार मेरे पास थोड़ा सा और टाइम होता तो शायद मैं कर सकती। उसके अलावा आपको सही डायरेक्शन में तैयारी की ज़रूरत है। काफ़ी लोग ज़्यादा लोग एकेडमीज जाते हैं, मैं खुद एकेडमी गई थी, काफ़ी ज़्यादा लोग घर पे ही बैठ के कर लेते हैं। तो अगर आपकी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही तैयारी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो हाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, हाउ टू स्ट्रक्चर योर क्वेश्चन, हाउ टू गिव द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, और हाउ टू इंश्योर कि आप सही टाइम लगा रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक लड़की होने के नाते से जो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स पे जो ग्रिप होती है अमूमन वो लड़कों से कम होती है, ठीक है, तो आपने कैसे वो सारी चीज़ें जो हैं उनको आपने समझा और कैसे वो अपना एक जो एक बेसिक बैकग्राउंड चाहिए होता है वो किस तरह कंस्ट्रक्ट किया? अच्छा, ये मुझे शुरू में मसला हुआ था कि करंट अफेयर्स की उस तरह से नॉलेज बेस नहीं थी जिस तरह से जब मैं एकेडमी आई थी तो और लोगों की थी। उससे ये होता है कि आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ें, मैं तो डॉन पढ़ती थी, अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल, इफ़ द कैंडिडेट्स आर कंफर्टेबल विद एनी अदर न्यूज़पेपर तो आप वही पकड़ लें, ट्रिब्यून है, द न्यूज़ है, दिस कुछ भी आप ले लें। लेकिन ये है कि इंश्योर करें कि आप रेगुलरली अखबार पढ़ रहे हैं, आप इन टच हैं जो भी करंट अफेयर्स, जो भी मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ चल रही है। इसके अलावा मैं एक लोकल अखबार पढ़ती थी और एक मैं इंटरनेशनल अखबार पढ़ती थी। तो इंटरनेशनल में मैं वाशिंगटन पोस्ट पढ़ती थी। काफ़ी ज़्यादा लोग अगेन यू हैव इकोनॉमिस्ट है आपके पास, वाशिंगटन पोस्ट पढ़ लें, जो भी आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है। तो ये है कि करंट अफेयर्स का यही मुझे जो लगता है तरीका ये है कि आप अखबार पढ़ें। उसके अलावा जो FPSC ने पूरा अपने सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए उसकी लिस्ट बनाएं, उसके ऊपर नोट्स बनाएं, एंड जिस जिस के आप नोट्स बना रहे हैं उसको आप टेक ऑफ करते जाएं ताकि आपको पता हो आपने क्या चीज़ कवर कर ली है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप एक व्हेन यू पिक अ सर्टेन टॉपिक देन यू इंश्योर दैट यू हैव कवर्ड इट फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। जितने भी उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है पिछले सालों में, आप उनको निकालें, आप उनको देखें, और आप ये हमेशा इंश्योर करें कि आप सारे पर्सपेक्टिव्स को कवर करें ताकि एग्जाम में कोई आपको यू नॉट टेकन बाई सरप्राइज़,
बेसिकली। एग्जैक्टली जो नोट्स मेकिंग टेक्निक्स होती हैं बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत लेंथी नोट्स बना लेते हैं, बाय द एंड उनको वो चीज़ हेल्पफुल नहीं करती, हेल्पफुल नहीं रहती वो पूरे सिनेरियो में। तो आपकी नोट्स मेकिंग टेक्निक्स क्या थी, कैसे नोट्स बनाती थी, सिंगल पेजर होते थे या डिटेल नोट्स होते थे? अच्छा, मेरे दोनों थे। शुरू में जब मैं आई थी, जब मैंने स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन, तो मेरे डिटेल नोट्स होते थे, काफ़ी लेंथी मैं बनाती थी हर टॉपिक के। लेकिन जब एग्ज़ाम करीब आने लगा था तो मुझे एहसास हुआ कि अच्छा, जब मैं रिवीजन करूँगी तो शायद ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे लिए, कि एक रात पहले एग्ज़ाम से मैं ये नहीं कर सकती कि सारे मैं अपने नोट्स निकालूँ और पूरी कॉपीज़ के ऊपर कॉपीज़ में देखूँ। तो फिर मैंने अपने वन पेजर बनाए थे नोट्स। यही पे एक टीचर थे एकेडमी में, जिन्होंने मुझे बताया था कि इस तरह आपने वन पेजर नोट्स बनाने जो आपको बहुत हेल्प करते हैं एंड पे। तो फिर मैंने पर मतलब आप कह लें कि अगर एक सब्जेक्ट है उसके मैंने इंटरनेशनल लॉ है फॉर एग्जांपल, उसके 6 सफ़ों में मैंने उसका कंप्लीट पूरा कर दिया था उसके वन पेजर बना बना के। कभी कभी होता था कि एक टॉपिक को मैं आधे पेज पे भी लेके आ जाती थी। तो अगेन आई बेसिकली डिड बोथ ऑफ दीज टेक्निक्स, मैंने पहले डिटेल बनाए, उसके बाद एंड पे आके मैंने वन पेजर भी बनाना शुरू कर दिया। ये स्कोर 76 इन इंटरनेशनल लॉ, तो किस तरह वो मुमकिन हुआ? इंटरनेशनल लॉ में यही है, अगेन मैंने 2 किताबें मैं हमेशा कंसल्ट करती थी, एक एकेडमी की किताब होती थी जो पब्लिश बाय ओवर हियर, और एक मैं कोई और हमेशा से जो FPSC रिकमेंडेड होती थी। तो उसमें यही है कि दोनों किताबों को लेके मैं हर टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड नोट्स बनाती थी, देन आई वुड गो ओवर दोज नोट्स। ऑल्सो इंटरनेशनल लॉ आई वुड सजेस्ट इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, लाइक उसके जो सवाल पुराने आते हैं वो बहुत डायरेक्ट से आते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम उस तरह से नहीं होता। तो आप देखें सवाल किस तरह की सारी डायमेंशन कवर्ड हैं या नहीं है पुराने पास पेपर्स में। आप अपने नोट्स देखें, आप उसके बाद टेस्ट दें। मैं यहाँ पे मॉक एग्जाम्स वगैरह बहुत ज़्यादा दिया करती थी, उससे बहुत हेल्प होता है, आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। तो इंटरनेशनल लॉ में आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड मी। अच्छा मिशेल, इस्लामियात आपने उर्दू में अटैम्प्ट किया या इंग्लिश में? अगर उर्दू या इंग्लिश में जो भी अटैम्प्ट करें, लेकिन उसके पीछे क्या बुनियादी टेक्निक्स होनी चाहिए जिसकी वजह से जिसको ब्रोए कर लाते हुए वो 60+ मार्क्स ले सकें? इस्लामियात मैंने इंग्लिश में ही अटैम्प्ट किया था, वो भी इसलिए किया था क्योंकि मेरे सारे जो पेपर्स थे वो इंग्लिश में थे, तो वाई नॉट, मतलब मैं इसको भी इंग्लिश में क्यों ना अटैम्प्ट करूँ। अच्छा, जो कैंडिडेट्स इंग्लिश में दे रहे हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग ट्रांसलेशन लिख रहे हैं हदीस मतलब अरबी में नहीं लिख रहे, तो आप ये इंश्योर करें कि कम अज़ कम 3-4 जो हैं आप दे रहे हैं पर क्वेश्चन। उससे ये होता है कि हमेशा अरबी की जो हदीसें होती हैं उनकी ज़्यादा वेटेज होती है एग्जामिनर के नज़र में। तो आप ये करें कि अगर आप इंग्लिश की ट्रांसलेशन दे रहे हैं तो हमेशा आपकी जो हदीसें हैं या आपकी जो कोटेशन हैं वो उस इंसान से ज़्यादा होनी चाहिए जो उर्दू में अटैम्प्ट दे रहा है। इसके अलावा इस्लामियात की तैयारी में यही था, अगेन दैट यू आप इंश्योर करें कि आप सारे टॉपिक्स कवर करें प्रॉपर तरीके से। उसके अलावा यह है कि आप जितने ज़्यादा रेफरेंसेज दे सकते हैं आप दें इस्लामियात में। इस्लामियात इज़ ऑल अबाउट रेफरेंस। मिशेल, यू वेंट फॉर 600 मार्क्स सब्जेक्ट्स इन ऑप्शनल्स, तो ये समझा जाता है कि मतलब एक सब्जेक्ट जो है वो 200 मार्क्स का होना चाहिए, सो दैट आपका वो एक जो है ना इतना ज़्यादा वो ख़त्म हो जाए हैक्टिक रूटीन। तो किस तरह पॉसिबल हुआ 600 मार्क्स सब्जेक्ट्स रख कर? अच्छा, मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी मिसकंसेप्शन है कि 600 मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, और मतलब अगर आपके ऐसा एक सब्जेक्ट है जो 200 मार्क्स का है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, मेहनत आपने उसी तरह से करनी है, क्योंकि 600 मार्क्स उस बंदे के भी हैं जिसका इंटरनेशनल रिलेशंस है, 600 मार्क्स मेरे भी हैं अगर मैंने मैथ और स्टैट्स देना है। आप वो डिपेंड यही करता है, अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल मेरे मैथ और स्टैट्स था 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स से, तो मैं उनको डील इस तरह से करती थी कि मैं हर रोज़ 1 घंटा मैथ के लिए और 1 घंटा स्टैट्स के लिए लाजमी निकालती थी। बाकी सारे सब्जेक्ट्स की मेरी पेस सेम होती थी, लेकिन मैथ और स्टैट्स को मैं ज़रा एक्स्ट्रा अटेंशन देती थी। वन इसलिए भी क्योंकि मेरे अलग अलग 2 सब्जेक्ट्स थे 600 के, और सेकंड इसलिए भी क्योंकि मैथ और स्टैट्स में आप करते ही प्रैक्टिस हो। तो आप चाहे फिजिक्स ले लो केमिस्ट्री ले लो, वो 200-200 के हैं, लेकिन ये है कि आपको मेहनत उतनी ही चाहिए होगी, प्रैक्टिस उतनी करनी पड़ेगी। तो अगेन ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट आपका कौन सा है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि 1 200 का है या 100 का है। बिल्कुल सही कहा, अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो आप क्या इस तरह के सब्जेक्ट्स जो जिन लोगों का बैकग्राउंड है उसके साथ वो इस तरह के सब्जेक्ट्स के लिए जाएं या रिस्क होता है? अच्छा, ये काफ़ी रिस्क होता है इसलिए क्योंकि अगर और सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें आप फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता एंड टाइम पे सवाल आया आपको नहीं पता कुछ भी किसका जवाब क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ आप लिख देते हो क्योंकि आपको पता होता है कि बैकग्राउंड उसका क्या चल रहा है, करंट अफेयर से भी ओवरलैप करता है तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है। अप्लाइड मैथ में ये है कि अगर तो सवाल आपको नहीं आता तो फिर नहीं आता, आप कुछ भी लिखने की कोशिश करो एग्जामिनर आपको 0 देगा, इट्स गोना बी अ 10 और अ 0 बेसिकली। तो ये इसमें यह है कि आपकी अगर बैकग्राउंड है या आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है मैथ में या आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है कि आप मैथ को कवर कर सको, तो मेरे हिसाब से तो 7-8 महीने आपको चाहिए मैथ को पूरी तरीके से कवर करने के लिए। तो अगर तो इतना आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आप जाइए मैथ के लिए, क्यों नहीं जाएं, बिकॉज ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगेन इट्स आइदर अ 10 और अ 0, तो 10 नंबर आते हैं आपके हर सवाल में तो क्यों नहीं,
आपको फुल भी मिल सकते हैं बड़े आराम से। स्टैटिस्टिक्स में स्कोर 76, बहुत अच्छा स्कोर है, क्या टेक्निक्स थी इसके पीछे? स्टैटिस्टिक्स का भी मैं यही कहूँगी जो अप्लाइड मैथ होता है, दोनों मैथ ही हैं, प्रैक्टिस करें इसको हर रोज़। मैं एक एक घंटा निकालती थी इन दोनों के लिए, इसको लाजमी मैं प्रैक्टिस करती थी ताकि मैं आउट ऑफ टच ना हूँ मैथ से। मैथ का ये है कि अगर आप नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आप स्कॉलर भी हो ना, आप मैथ के बहुत मतलब PhD भी आपने की ना मैथ में, तो आप आउट ऑफ टच होगे तो फिर आप नहीं सवाल को अटैम्प्ट कर सकते। हर रोज़ स्टिल आखिरी उस दिन तक जब तक मैंने जो मेरा आखिरी दिन था एग्जाम से एक दिन पहले तक, मैं करती रहती थी मैथ और स्टैट्स को मैंने नहीं छोड़ा था। इंग्लिश कंपोजिशन के लिए वोकेबलरी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 20 नंबर के MCQs होते हैं, वो किस तरह आपने इंप्रूव किया अपना? वोकेबलरी का ये है कि 1000 वर्ड्स की लिस्ट होती है, सैट की है, GRE की है, ये वो आप लोग देख लो, वर्ड लिस्ट देख लें आप में ये आप इंश्योर कर लें कि आप 10-10 वर्ड्स आप हर रोज़ करें कवर, ठीक है? आप अपनी लिस्ट बना लें, एक्सेल वर्ड फाइल आप अपनी बना लें जिसपे आपको पता हो कि अच्छा आज मैंने 10 लफ्ज़ जो है मैंने नहीं सीखे हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी, इसमें भी मैं यही कहूँगी कि आप कभी पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते कि जो आपने लफ्ज़ सीखे हैं वही आएंगे या नहीं आएंगे। तो उसमें बेस्ट ऑप्शन यही है कि सिंस यू कैन नेवर बी श्योर, तो आप कोई सी भी लिस्ट पकड़ लो और आप अपना टारगेट रख लो कि अच्छा मैंने 1000-2000 चले 5000 लफ्ज़ जो है ना मैंने सीखने ही सीखने हैं CSS से पहले, वो आपके ऊपर अपना है। ये अगेन आप कभी ये नहीं होता कि आपने स्पेसिफिक लफ्ज़ किया तो वही आएंगे आपको। प्रेसी राइटिंग कैसे इंश्योर किया जाए कि वो आपकी इतनी अच्छी हो, क्योंकि एक मेजर चंक होता है और वही आपको अक्सर परसेप्शन है कि वही पास या फेल करवाता है, तो वो किस तरह अच्छी की जाए? आपने बिल्कुल सही कहा कि काफ़ी मतलब परसेप्शन ये है कि प्रेसी आपको पास या फेल कराती है। अगेन प्रेसी का भी मैं ये कहूँगी कि इट शुड बी कंसाइज, 1/3 होना चाहिए प्रेसी की लेंथ जो आपके पूरी जो प्रेसी आपको उस टाइम पे जो आपको पैराग्राफ गिवन होता है उसका 1/3 होना चाहिए। उसके अलावा आप इंश्योर करें कि आप मेजर जो थीम्स हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं प्रेसी के अंदर, वो आप मिस ना करें, ठीक है? इररेलेवेंट डिटेल्स को कोशिश करें कि आप ना करें, ना लिखें, और जो मेजर पॉइंट्स हैं उसको आप आगे लेके जाएं, उससे फिर आप एक रफ ड्राफ्ट बनाएं एंड देन यू मेक अनदर ड्राफ्ट, और दूसरे ड्राफ्ट के बाद यू हैव योर फाइनल वर्जन। लाइक बेसिकली एक रफ ड्राफ्ट होगा और उसके बाद आपका फाइनल वर्जन होगा। उसके अलावा प्रेसी में अगेन ये इंग्लिश का भी मैं यही कहूँगी, प्रैक्टिस करें, एक प्रेसी ले लें। मैं ये करती थी कि पुराने पास पेपर्स करती थी, उसके बाद पास पेपर्स जब खत्म हो गए तो फिर मैं डॉन के एडिटोरियल्स मैंने स्टार्ट कर दिए लेना। प्रेसी आप करें, हर रोज़ प्रैक्टिस करें, यहाँ पे टीचर्स हैं, आप इंश्योर करें कि आप मतलब अच्छे टीचर्स को चेक करवा रहे हैं, आपको फीडबैक मिल रहा है, आपको पता चले कि आपकी गलतियाँ क्या कहाँ पे हैं, ताकि आपको फाइनल एग्जाम के दिन पे प्रॉब्लम ना हो और आपकी स्पीड इतनी हो कि आपको दे प्रेसी जो आपको मिली है देखते ही आपको पता चल जाए कि अच्छा ये मेजर पॉइंट है, मैंने 5 मिनट इस पे लगाने हैं, मैंने 10 मिनट इस पे लगाने हैं। ऐसे का पेपर बहुत अहमियत का हामिल होता है, कंटेंट जनरेशन उसमें बड़ी एक अहम चीज़ होती है, कैसे कंटेंट गैदर करती थी और कितने ऐसे की प्रैक्टिस की आपने? अच्छा ऐसे की इस तरह था कि हर 2 हफ्ते बाद मैं एक ऐसे ज़रूर लिखती थी, ज़रूर चेक करवाती थी और अपनी गलतियों पे ज़रूर मैं फोकस करती थी जब भी मुझे फीडबैक मिलता था यहाँ के टीचर से। आप भी यही करें कि सिर्फ ऐसे लिखना काफ़ी नहीं होता, ऐसे को आपने अगेन एंड अगेन चेक करवाने ताकि आपको फीडबैक ये प्रॉपर मिले कि जितने आप पॉइंट्स लिख रहे हैं वो रेलिवेंट भी हैं या नहीं है। और जहाँ तक आप कंटेंट गैदर करने की बात करें तो मैं यही कहूँगी कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर्स की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, 10 आपको अगर ऐसे टॉपिक्स मिल रहे हैं तो उनमें से कुछ तो काफ़ी मेजॉरिटी यही होते हैं जो आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आप इनकाउंटर कर रहे हैं, वाटर के ऊपर अगर आ रहे हैं, जेंडर इशूज़ के ऊपर आ रहे हैं, तो आपने ऑलरेडी उसको करंट में कवर किया होता है, ऑलरेडी आपने पाक अफेयर्स में या जेंडर स्टडीज़ में आपने कवर किया होता है, तो कंटेंट आपका फिर भी गैदर हो जाता है। लेकिन स्ट्रक्चर करना अपने ऐसे को ज़रा मुश्किल होता है, स्ट्रक्चर करना, प्रॉपर पॉइंट्स लिखना, थीसिस स्टेटमेंट लिखना, ये इंश्योर करना कि जहाँ पे आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है वहीं से आपका आपकी कंटिन्यूएशन हो दूसरे आपके पैराग्राफ की, ये चीज़ें जो है ना आपको टीचर्स वगैरह सिखाते हैं या आप खुद इंश्योर करो, इतने ज़्यादा एसेज लिखो कि आपकी ग्रिप काफ़ी मजबूत हो जाए उस पर। जैसे कि आपने अभी कहा है करंट अफेयर्स के एसेज जो हैं वो ज़्यादा आप अटैम्प्ट करने चाहें, तो आपकी क्या अप्रोच है, एक जनरल कैंडिडेट्स की क्या अप्रोच होनी चाहिए कि कौन सा सेफेस्ट अप्रोच हो सकती है, या कि आप एक लिटरेरी ऐसे के लिए जाएं, करंट अफेयर रिलेटेड ऐसे के लिए जाएं, या कोई प्री प्लान्ड कोई एक डायमेंशन आपके जेहन में हो आपने वही ऐसे अटैम्प्ट करना जब ऐसे आप देखें 8-10 टॉपिक्स? अच्छा मैंने जो अटैम्प्ट किया था वो यही था कि जो कॉमन करंट अफेयर्स का जो टॉपिक था उससे पे किया था। लिटरेरी का ये होता है कि शायद इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो आपको, मगर मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे कॉलीग्स हैं जो मतलब मेरे दोस्त हैं जिन्होंने लिटरेरी एसेज अटेम्प्ट किए और काफ़ी अच्छे नंबर उनके आए हैं। तो मैं यही कहूँगी अगर तो आप इंटरप्रिटेशन सही आपकी है, अगर आप सही तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस लिटरेरी एसे को, तो क्यों नहीं, वाई नॉट गो फॉर दैट। बाकी ये है कि अगर आप कंफर्टेबल ज़्यादा इससे हैं कि आपने बस पॉइंट्स लिखने हैं, इन पास होने हैं अपने ऐसे में, तो करंट अफेयर्स का कोई भी आप टॉपिक पकड़ लें और आप ज़्यादा मेहनत उस पर करें, आपकी प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा मेहनत होनी चाहिए, अगेन कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा इस पर आपकी ज़्यादा मेहनत होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो करंट अफेयर्स का अगर कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है या कोई भी जनरल क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो उसमें पेपर प्रेजेंटेशन किस लिहाज से कैसी होनी चाहिए?
पेपर प्रेजेंटेशन में मैं कहूँगी सबसे अहम ये है कि एक तो आपके डिस्टिंग्विश्ड, मतलब आप जिस तरह पैराग्राफ्स लिखते हो, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए आपका पेपर. ये ना हो कि एग्जामिनर को लगे कि अच्छा इसने कोई मेहनत नहीं की या बिल्कुल ही बोरिंग सा पेपर है, उसको कोई इंसेंटिव नहीं है आपका कि आपको पेपर चेक करेगा. आपने बेसिकली करना यह है कि आप मैप्स अपने अंदर डालें पेपर्स के अंदर, इसके अलावा आप फ्लो चार्ट्स रखें. काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो मतलब डिफरेंट पेन से लिखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बुक कोट करनी है या कोई रेफरेंस आपने देना है, तो अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो सडनली यू चेंज योर पेन टू अ ब्लैक कलर, काले पेन से लिखना शुरू कर दें. इस तरह की जो टेक्निक्स हैं ना, ये हेल्प करती है कि आप मार्क्स मतलब आप हासिल करें. क्योंकि वरना अगर आपका पेपर एक ही टोन में चल रहा है, सारे सवाल एक ही तरह के हैं, तो शायद अगर आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है तो आपको इतने नंबर मिलते भी नहीं है. तो अगेन मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं कहूँगी सीएसएस में, कि आप आपके मैप्स वहीं पे हों, ग्राफ्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता. पाकिस्तान के मैप बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट आपको चाहिए होते हैं बिल्कुल. तो ये है कि ये छोटी छोटी टेक्निक्स है जिससे आपके मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं. अगेन ये नहीं है कि आप सारी इसी पे ये फोकस करें, अगेन यू ऑल्सो नीड टू इंश्योर कि आपका जो रेलिवेंट मटीरियल है दैट इज़ देयर इन द पेपर. डेली रूटीन क्या होती ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन और किस तरह खुद को मोटिवेट रखती थी? डेली रूटीन मेरी इनिशियली तो यही थी कि 6-7 घंटे पढ़ लिया, फिर बस पहले 2-3 महीने तो यही थी. उसके बाद फिर जब आखिरी 3-4 महीने तो उसमें यही है कि 14-14 घंटे भी चला जाता था, 12-13 घंटे भी चला जाता था. तो ये है कि थोड़ा सा आप खुद भी आदत हो जाती है आपको उस रूटीन की, बिकॉज अगर आपने 12 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं तो फिर यू हैव टू वर्क हार्ड. इंडिविजुअल स्टडी ज़्यादा कारगर रहती है या फिर एक ग्रुप में बैठ के पढ़ना ज़्यादा मुफीद होता है? अच्छा, इसमें भी मैं यही कहूँगी कि जो आप जिस किस चीज़ के साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि मैटर एंड पे यही करता है कि किसी ने, मेरा नहीं ख्याल कि ग्रुप स्टडी कोई गारंटी नहीं करेगा आपको कि आप पास हो जाएंगे, या इंडिविजुअल स्टडी इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपने आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे. आप जिस चीज़ के साथ कंफर्टेबल है वही है. ग्रुप स्टडी का ये होता है कि जी आपके पास बहुत ज़्यादा और पर्सपेक्टिव्स भी हैं. अगर आपने एक टॉपिक तैयार किया हुआ है तो अगले बंदे ने भी दूसरा टॉपिक तैयार किया हुआ है, तो आपके 3-4 या 5-6 टॉपिक्स इस तरह से कवर हो जाते हैं. बाकी इंडिविजुअल का ये है कि अगर सब कुछ पढ़ना है तो सारा आपने ही करना है. आई वेंट फॉर मोस्टली इंडिविजुअल स्टडी. ग्रुप ज़रा मेरा ग्रुप स्टडी मैंने कम ही रखी थी, क्योंकि मैं मुझे ये होता था कि अच्छा जितनी भी मैंने तैयारी करनी है वो मैंने खुद ही करनी है, एक एक टॉपिक को मैंने खुद ही टच करना है. मतलब आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद मतलब कि और बच्चे किस तरह से कर रहे हैं जो भी है. तो अगर मुझे और नोट्स मिल भी जाते थे तब भी मैं उस टॉपिक को खुद ही कवर करती थी. MCQ पार्ट बड़ा अहमियत का हामिल होता है, लाइक अराउंड 200 मार्क्स इस जगह से आप कवर कर सकते हो. तो आपकी क्या टेक्निक थी उस MCQ को प्रिपेयर करते हुए? अच्छा, MCQ का यही है कि आप पास्ट पेपर्स देखें. उसके अलावा पास्ट पेपर से बहुत हेल्प हो जाती है, बिकॉज MCQ जो हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है, लाजमी रिपीट होते हैं. कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसे आएंगे जो आपने ऑलरेडी पहले देखे होंगे. पास्ट पेपर्स करें. इसके अलावा जो लेट्स से सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी मैटर करता है, पाकिस्तान अफेयर्स है तो उसमें डेट्स वगैरह आप याद रखें, टाइमलाइंस याद रखें, स्पेशली जो प्री पार्टीशन एरा है. उसके अलावा अगर करंट अफेयर्स है तो अगेन करंट अफेयर्स शायद मुश्किल है उसके MCQs टच करना, लेकिन एक मैगज़ीन होता है वर्ल्ड टाइम्स का, उसके एंड पे बिल्कुल करंट अफेयर्स के काफ़ी ज़्यादा सवाल MCQs होते हैं हर महीने जो आता है, उनको मैं देख लेती थी. इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ हो गया या सोशियोलॉजी वगैरह, इतने भी कि बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ना, उनके तो MCQ सिर्फ आप इस तरह तैयार करें कि आप पुराने वाले देखें, पास्ट पेपर्स देखें, कवर हो जाएगा आपका. अच्छा, यू स्कोर 209 इन योर इंटरव्यू पार्ट, तो किस तरह मुमकिन हुआ और क्या वो चीज़ें थी जिनने इतना अच्छा स्कोर लेने में हेल्पफुल रही आपके लिए? अच्छा, इंटरव्यू में यही है कि काफ़ी इनिशियली मुझे काफ़ी लोगों ने डराया था कि इंटरव्यू बहुत मुश्किल होगा, या वहाँ पे जो इंटरव्यूअर्स आपके हैं वो बहुत ज़्यादा डराएंगे आपको, या कुछ अजीब तरीके से क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करेंगे. ऐसा कुछ भी नहीं होता. इंटरव्यू में यही है कि यू ओनली हैव टू बी रिलैक्स्ड. वहाँ पे जाके आपने अपने ओपिनियंस प्रेजेंट करने हैं, और आपने ये इंश्योर करना है कि जो आप ओपिनियंस दे रहे हैं वो आप उनको जस्टिफाई भी कर सकते हैं. ऐसा हवा में कोई बात नहीं करनी. आपने ये इंश्योर करना है कि हाँ अच्छा, मैं एक अगर बात कह रहा हूँ तो मुझे उस बात के पीछे कोई लॉजिक भी होना चाहिए. इंटरव्यूज़ आपको ग्रिल इस तरह से नहीं करते, वो बहुत ईजी पहले मतलब आराम से आपको लेके चलते हैं. जो चेयरमैन साहब है वो आपको पहले बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद जो बाकी जो आपके पैनल होता है वो बड़े आराम से आपसे सवाल पूछेंगे, डिस्कशन में इंगेज करने की कोशिश करेंगे. वो ये जानना चाहते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. वो ये नहीं चाहते कि अच्छा मैंने ये बच्चा आया तो मैंने इसको ग्रिल कर देना है. उन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों के इंटरव्यूज़ लेने हैं, ये उनका मकसद नहीं है. तो वो फिर उस बेसिस के ऊपर आपको जज करते हैं कि आपका नॉलेज उस तरह से कितना है, आप जस्टिफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी किस तरह की है. और आप माने या ना माने, उस पॉइंट पे ये सबसे ज़्यादा अहम बात होती है कि आपने नर्व्स को अपने काबू रखना होता है, बिकॉज वो इतना प्रेशर वाला इन्वायरमेंट होता है कि बस सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि आपने काम डाउन रहना है, आपने जाके बस अपना यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट. एस्पायरेंट्स के लिए कुछ सजेशंस या कुछ वो असूल जिनकी बुनियादों पर वो एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, प्लीज़ अगर आप उन्हें दे सकें तो. मैं यही कहना चाहती हूँ फ्यूचर एस्पिरेंट्स वगैरह को भी कि आप
डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक, डोंट लेट एनी बडी टेल यू कि अच्छा आप नहीं कर सकते. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं इनिशली, आप बहुत ज़्यादा लोग डराते भी हैं कि शायद CSS नहीं हो सकेगा, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग प्लीज़ आप डिटर्मिंड रहें, तैयारी अपनी कंप्लीट रखें, अपना मटेरियल पूरा रखें, ऑप्शनल सब्जेक्ट सही तरीके से सेलेक्ट करें, प्रैक्टिस करें रेगुलरली अपने एसे अपने प्रेसी को, हर अगर आप अपना डायमेंशन पकड़ के रखेंगे, अगर हर जो है अपना आप क्या कहते हैं सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड रखेंगे, तो फिर कोई मतलब आपको CSS पास करने से रोक नहीं सकता. इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग, इट इज़ समथिंग दैट ऑल ऑफ अस डिड, हम सब करते हैं, आप भी कर सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड योर वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन. हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में हम आपको इंगेज करें और एस्पायरेंट्स की जिस हद तक हो सके मदद करें. थैंक यू सो मच.